दोस्तों काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर कोई एक ऐसा तरीका बताइए जिससे हम दूसरों के लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट वीडियो बना सकें और इससे हमारे चैनल को मोनेटाइज होने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी लॉन्ग वीडियो को सिर्फ एक क्लिक में उसके 60 शॉर्ट वीडियो बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है और साथ ही साथ आपके ये सभी शॉर्ट वीडियो 100% मोनेटाइज भी होंगे। और ये जितने भी बड़े चैनल आप देख रहे हो ये सभी इसी वेबसाइट से अपने शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी लॉन्ग वीडियो सिर्फ एक क्लिक करके उसका शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानो अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो तो यहाँ पे मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। नंबर एक, सबसे पहले तो आप किसी भी लॉन्ग वीडियो को सिर्फ एक क्लिक में उसके कई शॉर्ट वीडियो बना सकते हो। नंबर दो, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने शॉर्ट वीडियो में कुछ इस तरह के कैप्शन कैसे लगा सकते हो। नंबर तीन, और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने पहले ही शॉर्ट वीडियो से अर्निंग कैसे शुरू कर सकते हो। तो चलिए अब बिना किसी शोर शराबे के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट वीडियो बनाने का जो तरीका बताऊंगा उसे आप अपने मोबाइल और पीसी दोनों से कर सकते हो। अब दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको यूट्यूब पे आना है। अब यहाँ पे आपको उस पॉडकास्ट वीडियो को सर्च करना है जिसकी आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हो। फिर आपको उस वीडियो के इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। अब आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ से इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से इस कॉपी वाले बटन पे क्लिक करके इस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लेना है। अब आपको सीधे गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है वीडियो AI। अब आपके सामने इस वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, आपको इसे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके मोबाइल में ये वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर रही है तो आपको अपने मोबाइल में डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है। तो इसके लिए आपको इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। अब आपके सामने डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन आ जाएगा, बस आपको इसे यहाँ से ऑन कर लेना है। अब ये वेबसाइट आपके मोबाइल में डेस्कटॉप मोड में ऑन हो जाएगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे साइन अप इट्स फ्री वाली बटन शो हो रही है, आपको इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से अपने किसी एक ईमेल आईडी से साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद में आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसके आपको यहाँ पे जवाब देना है। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से जवाब सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। और फिर लास्ट में आपको इस गेट स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वेबसाइट हमारी कंट्री में फ्री वाला ऑप्शन नहीं दे रही है। अब आप कहेंगे कि ये क्या, पहले तो बहुत फ्री फ्री कर रहे थे लेकिन अब बोल रहे हो कि ये हमारी कंट्री में फ्री नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी कंट्री में भी इसे फ्री में यूज कर सकते हो। तो इसे फ्री में यूज करने के लिए आपको करना क्या है, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है सिक्योर VPN। अब आपको इस VPN को यहाँ से इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे कोई दूसरा VPN भी यूज कर सकते हो। तो अब आपके सामने कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करके इस VPN को कनेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका फ्री वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। अगर अभी भी आपके मोबाइल में ये फ्री वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले इसे यहाँ से लॉग आउट कर लेना है। अब इसे यहाँ से फिर से लॉग इन कर लेना है। अब जब आप इस पेज को फिर से रिफ्रेश करोगे तो आपका ये फ्री वाला ऑप्शन आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका VPN कनेक्ट होना चाहिए। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन हो रहा है, आपको इसे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले वाले ऑप्शन में जो आपने लिंक कॉपी की थी उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या आपने पहले से ही वीडियो को डाउनलोड करके अपने मोबाइल की गैलरी में रखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो मैंने जो लिंक कॉपी किया था मैं उसी को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। लिंक पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर सिंपल इस इम्पोर्ट वाली बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैप्शन लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ से जो भी लैंग्वेज चाहिए आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से इंग्लिश ग्लोबल को सिलेक्ट कर लूंगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट मोर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कॉन्टेंट टाइप का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ से पॉडकास्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो डिटेल का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ से सिंगल कैम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीकर्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपकी वीडियो में दो स्पीकर हैं तो आपको यहाँ से दो को सिलेक्ट कर लेना है। अगर तीन है तो तीन को सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन मेरी वीडियो में चार स्पीकर हैं तो मैं यहाँ से चार को सिलेक्ट कर लूंगा। अब इतना करने के बाद में आपको सिंपल इस जनरेट क्लिप्स वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के तुरंत बाद में आपकी वीडियो में प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पे आपकी वीडियो की लेंथ जितनी बड़ी होगी आपको उसी हिसाब से यहाँ पे समय लगेगा। जब तक यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है तब तक आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी वीडियो में प्रोसेसिंग हो गई है, तो अब आपको इसी वीडियो पे क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसने हमारी लॉन्ग वीडियो से कितनी सारी शॉर्ट वीडियोस बना दी हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। यहीं पे आपको पोर्ट्रेट का एक ऑप्शन मिल रहा है जहाँ से आप अपनी वीडियो का फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे वीडियो फॉर्मेट के ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको जो भी पसंद हो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल मैं अभी यही रहने दूंगा। और साथ ही में आप देख सकते हो इसने हमारी वीडियो में ऑटोमेटिक कैप्शन भी जनरेट कर दिए हैं। अब यहीं पे आपको एडिट की एक बटन शो हो रही है, आपको इसे क्लिक कर देना है। अब आपके
सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके वीडियो के लिए काफी सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप अपनी वीडियो में किस टाइप का सबटाइटल रखना चाहते हो। तो मुझे ये वाला टेम्पलेट पसंद है तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कट मैजिक का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इन दो वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि अगर आप इसे यहाँ से इनेबल करते हो तो आपकी वीडियो में परफेक्टली कट लग जाएंगे, जिसे आप यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर में साफ साफ देख सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं इसे अभी इनेबल नहीं कर रहा हूँ, आपको जरूरत लगे तो आप कर सकते हो। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सबटाइटल का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सारे सबटाइटल शो होने लगेंगे। अगर यहाँ पे आपका कोई सबटाइटल गलत लिखा हुआ है तो आप उसे यहाँ से एडिट कर सकते हो। और वहीं अगर आपके सबटाइटल में कोई लाइन ऐसी है जो मिस हो गई है तो आपको यहाँ पे इन दोनों सबटाइटल के बीच में ऐड लाइन का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप उस लाइन को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहीं पे आपको फॉन्ट सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसे क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे फॉन्ट दिखाई देंगे, आपको यहाँ से जो भी फॉन्ट पसंद हो आपको उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट का भी ऑप्शन शो होने लगेगा, जैसे अगर आप अपने फॉन्ट में बैकग्राउंड इफेक्ट को रखना चाहते हो तो आप यहाँ से बैकग्राउंड इफेक्ट को रख सकते हो। वहीं अगर आप ब्लॉक इफेक्ट को रखते हो तो आपका फॉन्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आउटलाइन में कुछ ऐसा दिखाई देगा और शैडो इफेक्ट में कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिलहाल मैं यहाँ से आउटलाइन वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, आपको यहाँ से जो भी पसंद हो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ से आप अपने सबटाइटल के फॉन्ट के साइज को कम ज्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पे लास्ट में आपको स्टाइल का एक ऑप्शन हो रहा है, अब आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको आपके सबटाइटल के काफी सारे एनिमेशन मिल जाएंगे, आपको यहाँ से जो भी एनिमेशन पसंद हो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे हमारा शॉर्ट वीडियो बनके तैयार हो गया है, जिसे मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे कहते हैं फैमिली वाले ढंग से कर, पिंडदान और ये सब करते हैं तो उनकी एनर्जी रहती है, जिससे हम बात करते हैं फिर वो आप देख सकते हो इसने यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया है, वो भी परफेक्ट सबटाइटल के साथ में। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है, फिर से डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब इन सभी को ऐसे ही रहने देना है, बस आपको इस कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे ये वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप अपनी शॉर्ट वीडियो से अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको अर्निंग का तरीका बताने वाला हूँ वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। तो इसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट को फाइंड करना है जिन्हें आप एफिलिएट मार्केटिंग करके सेल कर सको। तो इसके लिए आप क्लिक बैंक वेबसाइट पे जा सकते हो। क्लिक बैंक एक एफिलिएट मार्केट प्लेस है, यहाँ पे आपको काफी सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने शॉर्ट वीडियो से सेल करके कमीशन ले सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्लिक बैंक वेबसाइट से प्रोडक्ट के लिंक को कॉपी करना है और अपनी वीडियो के कैप्शन में डाल देना है, या कमेंट सेक्शन में भी आप इसे दे सकते हो, जिससे अगर कोई बंदा इस लिंक से जाकर उस प्रोडक्ट को बाय करता है तो उसमें आपको कमीशन मिलेगा। इसके लिए सिंपल आपको क्लिक बैंक वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आपको एफिलिएट स्टार्ट हियर की एक बटन शो होगी, आपको इस पे क्लिक करके अपनी एक आईडी बना लेनी है, जिसके बाद आप यहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। इन दोनों वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।